स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने स्टॉक एंड डेटर मेथड से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कर लिया था, इंक्लूडिंग स्टडी मेट एंड पास्ट पेपर क्वेश्चंस। डेटर मेथड हो चुका अपना है, स्टॉक एंड डेटर मेथड हो चुका, राइट। जो फाइनल अकाउंट मेथड एंड होलसेल ब्रांच मेथड है, बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी होता है एग्जाम में पूछने का, तो उसको अपन लास्ट में टच करेगा। अभी उससे पहले दो कंसेप्ट है, एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक फॉरेन ऑपरेशंस का, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग देखेगा। आज अपना टारगेट रहेगा कि इंडिपेंडेंट ब्रांच को पूरा ड्रिल डाउन करना है, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा अपना अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच। ओके okay. अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच। देखो यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट ब्रांच। बुक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन बाय द ब्रांच इटसेल्फ, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंडिपेंडेंट ब्रांच कंसेप्ट में एक हेड ऑफिस होगा और एक ब्रांच होगा, राइट। ब्रांच विल मेंटेन इट्स ओन बुक्स, क्लियर है, और हेड ऑफिस अपना बुक्स बनाएगा। हेड ऑफिस विल मेंटेन इट्स ओन बुक्स। जब ब्रांच अपना बुक्स खुद मेंटेन करता है, इसका मतलब वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है। सब कुछ डेबिट क्रेडिट होगा, लेजर अकाउंट मेंटेन करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, पीएनएल बनाएगा और बैलेंस शीट सब कुछ साइड बनाए ब्रांच अपना, ठीक है। बट ईयर एंड में व्हाट हेड ऑफिस विल डू, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस, यहां पे भी ट्रायल बैलेंस बना होगा, ठीक है, या फिर मैं इधर लिख दूं फाइनल अकाउंट, और हेड ऑफिस भी अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा। बट हेड ऑफिस का फाइनल अकाउंट फाइनलाइज कब होगा, जब ये फाइनल अकाउंट इसके अंदर प्लस हो जाएगा, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर ब्रांच का जितना भी एसेट एंड लाइबिलिटीज है वो हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड करके दिखाएगा, तब जाके हेड ऑफिस का प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनेगा। क्लियर है ये चीज। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, यानी ब्रांच एक तरह से क्या है, सेपरेट एंटिटी। यानी जैसे आपने एक बेसिक अकाउंटिंग सीखा है सेल्स परचेज हर चीज का, जो डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग डेबिट क्रेडिट करता है वो सारा चीज करेगा हम लोग यहाँ पे। बस करना क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर इसका फाइनल अकाउंट इसमें मर्ज कर देना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, हेड ऑफिस क्या करता है, कभी कभी इसको गुड्स भेजता है, ये इसको गुड्स भेजता है, और ये क्या करता है, इसको गुड्स रिटर्न, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं पैसा भेजता है, बेसिक एकदम, बाकी ट्रांजेक्शन एक बार के लिए भूल जाता है। गुड्स भेजेगा हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस के लिए ब्रांच एक सेपरेट एंटिटी है, और ब्रांच के लिए एक हेड ऑफिस सेपरेट एंटिटी है, क्लियर है। तो मैं ऐसा बोलूं, ब्रांच विल बी ट्रीटेड एज डेटर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यानी अब हेड ऑफिस ब्रांच के साथ जितना भी ट्रांजेक्शन करेगा वो यही बोलेगा कि ये तो मेरा एक सेपरेट डेटर है, क्लियर है। और ब्रांच क्या बोलेगा,
इसके बुक्स में हेड ऑफिस विल बी ट्रीटेड, यस, और ब्रांच क्या बोलेगा, मेरे को पैसा भेजना है, तो हेड ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, और आई कैन से क्रेडिटर, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। समझ में आ रहा है? यानी ये भी इसका ट्रीट मतलब ये हुआ कि डेबिट बैलेंस ऑफ ब्रांच आएगा हेड ऑफिस के बुक में। इफ ब्रांच इज अ डेटर, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में जब ब्रांच का अकाउंट बनाएगा तो उसका तो डेबिट बैलेंस आएगा, और जब ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगा तो इसके बुक्स में क्या आएगा? हेड ऑफिस क्रेडिटर हेड ऑफिस क्रेडिटर है, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस क्रेडिटर, और हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या हो गया? डेटर है। तो एक बात बताओ, हेड ऑफिस बोले कि मेरे को ब्रांच से 10,000 रुपए लेना है, तो ब्रांच के बुक्स में ऐसा होना चाहिए ना कि हेड ऑफिस को देना है 10,000, इक्वल होना चाहिए ना, योर दिस बैलेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल। इफ नॉट इक्वल तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलेशन चेक करना पड़ेगा। इन दोनों के बुक्स में ऐसा कौन सा अकाउंटिंग एंट्री है जो एक ने कर लिया और दूसरे ने नहीं किया, राइट? बीआरएस के जैसा। तो हम लोग को यहां फिर क्या बनाना पड़ेगा? रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा अपने को। रिकंसिलिएशन करने के बाद सब कुछ ठीक करेगा, एंड देन हम लोग हेड ऑफिस का फाइनल अकाउंट बनाएगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आता है क्या? इंडिपेंडेंट ब्रांच का, दोनों का बैलेंस एक होना चाहिए। यस, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के साथ ही ट्रांजेक्शन किया होगा ना, उसके लिए तो मैच होना ही पड़ेगा। जैसे आप बीआरएस में करते थे कि बैंक बैलेंस एज पर योर कैश बुक शुड ऑलवेज मैच विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि उस दोनों में कौन सा ट्रांजेक्शन आता है, एक दूसरे के साथ जो किया। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करता है उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, कॉरेस्पॉन्डिंगली ब्रांच भी तो उसके अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा है, तो इन दोनों का बैलेंस तो मैच होना चाहिए। इफ मैच नहीं है, दैट मीन्स कुछ तो एरर हुआ है, एंड या तो हेड ऑफिस ने मिस्टेक किया होगा या फिर ब्रांच ने मिस्टेक किया होगा। तो हम लोग को क्या करना है? रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन का मतलब है वी विल पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। इफ इक्वल नहीं है तो डिफरेंस है, और डिफरेंस होने की वजह से जिसके बुक्स में गलती हुआ है या एंट्री होना छूट गया, हम लोग क्या करेगा? अकाउंटिंग एंट्री पास कर देगा। तो एट द एंड क्या हो जाएगा? दोनों रिकंसाइल होगा, और ये करना ही होगा। इफ हेड ऑफिस बोलता है कि मेरे को ब्रांच से 2 रुपए लेना है, तो ब्रांच का बुक्स बोलना चाहिए कि मुझे हेड ऑफिस को पे करना है 2 रुपए। ये हमेशा सेम होना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे एकदम जो बेसिक अकाउंट्स का कंसेप्ट है ना, जर्नल एंट्री, बस वही करना है, और अपने आप सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएगा। एंड यू हैव टू ट्रीट ब्रांच एज अ सेपरेट एंटिटी। ब्रांच अपना अकाउंटिंग करता है सब कुछ, एवरीथिंग, वेदर इट इज अ कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। आई बात समझ में? अब देखो डिफरेंसेस क्यों आ सकते हैं। डिफरेंसेस इन बोथ द बुक्स मे अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ सर्टेन रीजंस है, उसकी वजह से ही डिफरेंस आ सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा, राइट?
बट वो गुड्स ब्रांच को मिला ही नहीं। तो ब्रांच को जब तक नहीं मिला होगा तो ब्रांच ने अकाउंटिंग नहीं किया होगा, लेकिन हेड ऑफिस तो जब गुड्स भेजता है उसी टाइम अकाउंटिंग एंट्री कर चुका होगा ना। तो बताओ हेड ऑफिस ने कोई गलती किया क्या? तो इसका मतलब ब्रांच को एंट्री कर लेना चाहिए था, ब्रांच ने किया नहीं, हम लोग को उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो एक रीजन क्या हो सकता है, गुड्स सेंट बाई एचओ बट नॉट रिसीव्ड बाई ब्रांच। तो अराइज किंग का क्या करें हम? अराइज किंग का अराइज किंग यस, हेड ऑफिस ने गुड्स भेज दिया लेकिन ब्रांच को नहीं मिला। दो रीजन हो सकता है, या तो रस्ते में है या फिर रस्ते में चोरी हो गया। इफ चोरी भी हो गया तो उसका लॉस कौन बियर करेगा? मानता है एक बार के लिए हेड ऑफिस ने निकाल दिया, वो ब्रांच की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नाउ डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स कि ब्रांच उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इज इट क्लियर? हम लोग मानता कि गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट है तो हमारे को एडजस्टमेंट एंट्री करना है। एक एचओ का बुक्स होगा और एक ब्रांच बुक्स होगा। बताओ ये जो इन ट्रांजिट गुड्स है इसका अकाउंटिंग एंट्री कौन करेगा? क्योंकि अच्छा हेड ऑफिस तो ऑलरेडी कर चुका होगा, जिस टाइम उसने गुड्स भेजा था उसी दिन अपने बुक्स में एंट्री कर लिया होगा, लेकिन ब्रांच को मिला नहीं। स्टिल हम लोग ब्रांच के बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट बोल के स्टॉक दिखाता है ना, राइट? तो यानी यहाँ पे बेचारा ये तो कुछ नहीं करेगा, ये बोलेगा मैं क्या करूं, मैंने तो गुड्स सेंड करने का एंट्री कर दिया। आप लोग एक काम करो, गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री कर दो। गुड्स इन ट्रांजिट इज एन एसेट फॉर अस, तो हम लोग क्या करेगा? गुड्स अकाउंट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ये सोचो, ब्रांच सेपरेट बुक्स बनाता है, ब्रांच यदि किसी से गुड्स ले रहा है तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? नॉर्मल परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, राइट? तो ये तो गुड्स ही तो आ रहा है उसके पास में, तो ये परचेज की जगह क्या टर्म यूज कर रहा है? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहाँ क्रेडिटर का नाम क्या है? हेड ऑफिस। ये बोलता है ठीक है, ये माल मेरे पास आएगा और इसका पैसा मुझे हेड ऑफिस को देना है। तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। समझ में आया? क्लियर है ये वाला? ऐसा भी तो हो सकता है, और एक ट्रांजेक्शन समझते हैं। अमाउंट सेंड बाय ब्रांच, पैसा भेज दिया ब्रांच ने बट नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने जिस दिन पैसा भेजा होगा तो ब्रांच ने अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा? क्रेडिटर टू बैंक, मतलब हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ब्रांच ने तो ठीक ही किया है। अब हेड ऑफिस को मिला नहीं तो इसका एंट्री किसको करना चाहिए? हेड ऑफिस को। अरे ब्रांच ने तो भेज दिया ना, ब्रांच का कोई मिस्टेक ही नहीं है। तो अब बताओ किसका बुक्स में एंट्री होगा? हेड ऑफिस का बुक्स में। यस, हम लोग ये सब रिकंसिलिएशन ही कर रहे हैं कि कौन सा एंट्री हो जाना चाहिए था। तो अभी देखो ब्रांच तो कुछ एंट्री नहीं करेगा ना, लेकिन हेड ऑफिस एंट्री करेगा। हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या है? डेटर। डेटर से पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। एक्चुअल में क्या करेगा वो? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ डेटर का नाम क्या है? ब्रांच। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट।
समझ में आया ये एकदम क्लियर है? हाँ लंबा है लेकिन क्या चीज? लंबा है। क्यों सोचना, बार बार सोचेगा तो लंबा ही लगेगा। तुम चैप्टर को तोड़ो ना, ये समझ लो चैप्टर के अंदर चार चैप्टर है। डेटर मेथड का एक अलग चैप्टर है, स्टॉक एंड डेटर मेथड का अलग चैप्टर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए अलग चैप्टर है और फॉरेन ऑपरेशंस के लिए अलग चैप्टर है। तुम यही मानो कि तुमको चार चैप्टर पढ़ना है तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, हर एक चैप्टर 10 क्वेश्चन का है। आई बात समझ में? तो 40 क्वेश्चन में चार चैप्टर खत्म हो जाएंगे अपने। थॉट प्रोसेस बदलो, जब चैप्टर को तोड़ोगे ना तब आपका रिविजन करना भी ईजी हो जाएगा, लेकिन सब कुछ एक साथ रिवाइज करोगे पॉसिबल नहीं, मिक्सअप कर दोगे कंसेप्ट को। तो जब आप डेटर मेथड पढ़ रहे हो, थिंक फ्रॉम ओनली डेटर मेथड कि उसके अंदर क्या क्या करते हैं। जब आप स्टॉक एंड डेटर पढ़ रहे हो तो सिर्फ स्टॉक एंड डेटर में अपन क्या क्या किया, कौन सा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किया, क्या क्या एडजस्टमेंट्स मिला, और जब आप इंडिपेंडेंट ब्रांच कर रहे हो तो सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्रांच का सोचो। क्लियर है? अब देखो, और एक जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है फिक्स एसेट से रिलेटेड। फिक्स एसेट्स कभी कभी क्या होता है, ब्रांच खुद अपना मेंटेन करता है, देन नो प्रॉब्लम, ब्रांच के फिक्स एसेट्स बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन का एंट्री भी ब्रांच में क्लेम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहां होता है जब फिक्स एसेट्स अकाउंट ऑफ द ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। दो ब्रांच का इंडिपेंडेंट है, सेपरेट एंटिटी है, बट फिक्स एसेट्स हेड ऑफिस ही सब जगह लगाता है। तो हो सकता हेड ऑफिस सब जगह का फिक्स एसेट अकाउंट अपने पास ही रख रहा है। तो फिक्स एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। यदि हेड ऑफिस सबका फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएगा, राइट, हेड ऑफिस के बुक्स में फिक्स एसेट्स अकाउंट होगा, ब्रांच के बुक्स में फिक्स एसेट्स अकाउंट होगा ही नहीं। तो जिस दिन एक बुक है मेरा हेड ऑफिस और एक बुक है मेरा ब्रांच का, अब एक बात सोचो कि हेड ऑफिस ने क्या किया, ब्रांच के लिए एसेट खरीदा। हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए एसेट खरीदा तो हेड ऑफिस के पास ही अकाउंट है, क्या जर्नल एंट्री होगा, परचेज ऑफ एसेट का व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री? अच्छा हेड ऑफिस अपने बुक्स में ऐसे करेगा क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक? क्या हेड ऑफिस का एसेट बढ़ रहा है क्या, नहीं ब्रांच का है ना, तो वो क्या लिखेगा, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। इस कंडीशन में ब्रांच क्या एंट्री करेगा परचेज का, करेगा। कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रांच के बुक्स में फिक्स एसेट्स का अकाउंट ही नहीं है, वो हेड ऑफिस खुद मेंटेन कर रहा है। तो हेड ऑफिस ने एंट्री कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच, तो हाँ एसेट आएगा, नहीं कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो जो एसेट अकाउंट है वो हेड ऑफिस के बुक्स में मेंटेन्ड है। हाँ उसी में असली खेल है, उसी में असली खेल है, नहीं है ना? हेड ऑफिस बोल रहे मैं मेंटेन करेगा, तेरे को एसेट के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, जो भी एसेट का कहानी है मैं मेंटेन करेगा, करेगा कुछ करेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली हेड ऑफिस के बुक्स में दिख रहा होगा तुम्हारा। क्लियर है? अब देखो, खरीदने में प्रॉब्लम नहीं लगा, हेड ऑफिस ने बोला कि मेरा एसेट्स तो बढ़ नहीं रहा है, ब्रांच का बढ़ रहा है, तो उसने ब्रांच एसेट्स को डेबिट कर दिया, राइट, और उसके यहां से पैसा गया, एक उधार है तो क्रेडिटर आ गया बुक्स में। डेप्रिसिएशन वाले टाइम में प्रॉब्लम होगा। अब एक बात बताओ, इस पे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कौन क्लेम करेगा, इसको ब्रांच क्लेम करेगा, बिकॉज एसेट प्रैक्टिकली कौन यूज कर रहा है, ब्रांच, ठीक है। अब देखो असली पॉइंट यही है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकली कौन क्लेम करेगा, ब्रांच। लेकिन क्या ब्रांच ऐसा एंट्री कर सकता है क्या,
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ब्रांच के बुक्स में एसेट अकाउंट है ही नहीं तो बेचारा कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब एक चीज समझ में आया, सुनो, ये डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट किसके पास है? एचओ। एचओ करेगा एसेट को काउंट, एक्सपेंस है ना, ऐसा ही होगा ना। एक्सपेंस क्लेम कर रहा है ब्रांच, और एसेट तो हेड ऑफिस के बुक्स में है तो वहां से कम हो रहा है, डबल एंट्री मैच नहीं हो रहा। मैं ऐसा बोलू, इनडायरेक्टली इस खर्चे का पैसा हेड ऑफिस को ब्रांच से लेना है और ब्रांच को हेड ऑफिस को देना है। इधर करेगा वो ब्रांच अकाउंट डेबिट, और इधर ये बोलेगा कि मेरे को एचओ को पैसा देना देना है। क्या? है। हाँ, तो डेटर और बढ़ गया। अरे हमने उसके बिहाफ में एसेट खरीदा तो क्या वो पैसा हम ब्रांच से लेंगे नहीं क्या? वो हम कैसे लेंगे? टुकड़ों में लेंगे। अरे सिंपल सा लॉजिक है, तो फिर ये आप डेबिट ब्रांच से ब्रांच क्लेम करेगा बट इस लेना है। हेड ऑफिस बोल रहा है मेरे को ब्रांच से डेप्रिसिएशन का वैल्यू लेना है, और ब्रांच बोल रहा है मेरे को एचओ को पे करना है। देखो इनडायरेक्टली ये जो एसेट है, इफ ब्रांच इज अ सेपरेट एंटिटी तो ब्रांच को खुद को खरीदना चाहिए था, उसका पैसा जाना चाहिए था ना, गया नहीं। किसका गया? हेड ऑफिस का। तो हेड ऑफिस उससे रिकवरी तो करेगा ना, कैसे करेगा? थोड़ा थोड़ा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ये दो एंट्री समझ में आया क्या? क्या मतलब रिकवर कर मैंने ये बोला सुनो, हाँ हाँ अब सुनो मेरी बात। पहले तो एसेट खरीदा, लेकिन एसेट अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में है, तो हेड ऑफिस ने एक लेजर बना रखा है अपने पास, ब्रांच एसेट अकाउंट। उसने एक एसेट खरीदा, ब्रांच के वहां प्लांट लगा दिया, हेड ऑफिस का पैसा गया तो हेड ऑफिस ने कैश या बैंक कम कर दिया, और ये जो एसेट्स बड़ा है ये तो ब्रांच का बड़ा है ना, तो उसने ब्रांच एसेट डेबिट कर दिया। अब इसका जो डेप्रिसिएशन है हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्लेम कर नहीं सकता, राइट? यदि सोचो, सुनो मेरी बात, यहां पे इसने ब्रांच की जगह डेप्रिसिएशन लिखा होता, डेप्रिसिएशन का सेकंड इम्पैक्ट क्या होता है? ये कागज में चेंजेस के ब्रांच की चेंजेस में इफेक्ट होगा के कारण वो भी वो जो प्रॉफिट को अल्टीमेटली है उसको मिलेगा ट्रांसफर होगा तो फिर चीज को मतलब अरे तो फिर इंडिविजुअल ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा तुमको? किसी ब्रांच में 10 लाख का एसेट लगाया, किसी ब्रांच में 50 लाख का एसेट लगाया। अब जिस ब्रांच में जितना खर्चा किया तुमको तो रिटर्न उनसे उतना ही चाहिए ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई देखेगा ना एट द एंड ऑफ द डे हेड ऑफिस। यदि हेड ऑफिस ने अपनी 15 ब्रांच खोल रखी है, वो हर एक ब्रांच की परफॉर्मेंस चेक करेगा। अरे अल्टीमेटली तो वो प्रॉफिट लॉस हेड ऑफिस में ही आना है, बट इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली जब तक उसको ब्रांच का परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा। एक हेड ऑफिस को कोई फायदा नहीं, और इसमें फायदा नुकसान कुछ है ही नहीं। फायदा नुकसान कहाँ है यहाँ पे? अरे अल्टी देखो, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग एसेट्स हो सकती है तुम्हारे। हाँ, तुमको अलग अलग ब्रांच में अलग अलग एसेट्स हो सकती है। अब जब तक ब्रांच अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेगा, क्या ब्रांच का वो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी आएगा क्या? नहीं आएगा। सपोज हम लोग ने क्या किया, ये एंट्री किया नहीं, यहाँ डेप्रिसिएशन का एंट्री पास नहीं किया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? डेप्रिसिएशन टू ब्रांच एसेट, और बाद में अपना प्रॉफिट लॉस वो क्या करेगा? ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ब्रांच का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है अननेसेसरी? क्योंकि एसेट वहां यूज हुआ तो एक्सपेंस भी वहीं क्लेम होना चाहिए था, और ऐसे क्या लगेगा हेड ऑफिस को, अरे वाह यार मेरे ब्रांच कितना अच्छा है, इतना कमा के दे रहा है तो इस ब्रांच को कंटिन्यू करता है। तो तुम एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए हेड ऑफिस का मेन मालिक, तुम डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि ब्रांच को कंटिन्यू करना था या नहीं करना था।
बिकॉज आपका जो ब्रांच का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है वो ट्रू पिक्चर नहीं शो कर रहा। इसी के लिए हम लोग क्या करता है, आपने हायर परचेज में भी देखा होगा, जो एसेट्स यूज करता है उसके बुक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम होता है। क्लियर है? यहाँ पे भी सेम कहानी है। यदि आप ऐसे करोगे तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट तो कम हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रांच का प्रॉफिट अननेसेसरी ज्यादा आ रहा है। तो इससे हम लोग गलत डिसीजन भी ले सकता है फ्रॉम ब्रांच के लिए कि यार ये प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, इस ब्रांच को ओपन रखता है और किसी और ब्रांच को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा ना यूजर्स का। यूजर्स को लगेगा अरे वाह यार ब्रांच कितना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करता है, ये अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पास करेगा ही नहीं। हाँ अरे कहीं ना कहीं ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, और वो जब सेपरेट एंटिटी है तो उससे पैसा तो रिकवर करेंगे ना, बट धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, उससे पैसा रिकवर करेंगे। तो समझ में आया? पहले तो मैंने क्या बोला कि डेप्रिसिएशन का एक्सपीरियंस क्लेम करेगा ब्रांच, लेकिन एसेट अकाउंट कहां पे है, हेड ऑफिस, तो वहीं पे एसेट कम होगा। बट डबल एंट्री मैच कैसे होगा, ये उसका खर्चा तो हो गया, खर्चा होने से पैसा जाता है ना, बट ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी इस एक्सपेंस का पैसा ब्रांच को किसको देना पड़ेगा, हेड ऑफिस को देना पड़ेगा। इसलिए वो बोलता है अच्छा ठीक है, मेरे लिए क्रेडिटर का बैलेंस और बढ़ गया, और जो ये एसेट है इसका वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो हेड ऑफिस बोलेगा मेरे को ब्रांच से पैसा लेना है बिकॉज उसने मेरा एसेट्स यूज किया है, एक तरह से रेंट समझ लो। क्लियर है? तो वो क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देगा। क्लियर है? समझा? ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना पड़ सकता है। ये एक रीजन हो सकता है कि हमारा हेड ऑफिस के बुक्स में जो ब्रांच का बैलेंस है एंड ब्रांच के बुक्स में जो हेड ऑफिस का बैलेंस है मैच नहीं करने का। और एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मिलता है। हाँ पहले आप एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री सीख लोगे, फाइनल अकाउंट में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट है। चौथा ट्रांजेक्शन इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन सपोज हेड ऑफिस है मुंबई, ठीक है, हाँ B1, हाँ डिपार्टमेंट इंटरब्रांड ट्रांसफर, हेड ऑफिस है मुंबई, एक ब्रांच है गुवाहाटी, ठीक है, दूसरा ब्रांच है शिलोंग। गुवाहाटी से शिलोंग गुड्स जल्दी पहुंचेगा या बॉम्बे से शिलोंग? गुवाहाटी से शिलोंग जल्दी पहुंचेगा ना। क्या हुआ, गुवाहाटी वाले ने सर्टेन गुड्स ऑर्डर किया हेड ऑफिस को कि हमें इस ब्रांच के लिए चाहिए, सेल कर लिए, कस्टमर डिमांड है, तो हेड ऑफिस ने गुड्स भेज दिया। जब हेड ऑफिस ब्रांच वन यानी गुवाहाटी वाली ब्रांच को भेज रहा है, तब उसने अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा, गुवाहाटी गुवाहाटी ब्रांच अकाउंट डेबिट, कि उससे पैसा लेना है, गुवाहाटी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू गुवाहाटी ब्रांच, ये उसने एंट्री किया होगा, राइट? अब वो गुड्स हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग क्या एंट्री करेगा, क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गुवाहाटी ब्रांच अपने बुक्स में गुवाहाटी ब्रांच लिखता रहेगा क्या? यस, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, एक तरह से परचेज है हमारे लिए, और ये पैसा देना है हेड ऑफिस को, ठीक है, माल आया, बट अचानक उस कस्टमर ने बोल दिया नहीं चाहिए भैया, हम कहीं और से खरीद लिया। सुनो तो सही, स्टोरी तो सुनो, कंक्लूजन नहीं देना है, ठीक है, कंक्लूजन मैं बताएगा तब देने का। अब कस्टमर ने बोला भैया नहीं चाहिए, मेरा तो पर्पस फुलफिल हो गया। अचानक से शिलोंग में एक कस्टमर है, उसको सेम गुड्स चाहिए,
शिलोंग का एक कस्टमर है, वहां के ब्रांच के से मेरे पास फोन आया, हेड ऑफिस शिलोंग ब्रांच से हेड ऑफिस फोन गया कि सर हमको इस टाइप का गुड्स चाहिए, हाँ एक कस्टमर है उसको गुड्स चाहिए। हेड ऑफिस बोलता है यार ये सेम गुड्स मैंने गुवाहाटी ब्रांच को भेजा था, बट साला वो बोल रहा है कि उसको नहीं चाहिए। अब क्या होगा, पहले तो गुवाहाटी ब्रांच से मैं वापस हेड ऑफिस बॉम्बे भेज दूं, और फिर बॉम्बे से क्या होगा, शिलोंग आएगा गुड्स, टाइम भी लगेगा एंड कस्टमर भी जा सकते हैं ना। तो हेड ऑफिस ने मुझे फोन किया और बोला सर एक काम कीजिए आप, क्यों ना गुवाहाटी ब्रांच से शिलोंग ब्रांच में ट्रांसफर कर दो गुड्स, ये पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसा ही होता है। तो जब अपन ट्रांसफर करेगा तो बताओ अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगा? हम लोग शिलोंग ब्रांच को अपने बुक्स में डेटर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि एक तरह से हम लोग नहीं भेज रहे हैं, हेड ऑफिस ही भेज रहा है। बस हेड ऑफिस ने बोला आपके पास पड़ा है, आपका तो कोई काम का नहीं है, आप जस्ट इसको डिस्पैच कर दो, अकाउंटिंग हम लोग कर लेगा। आप यही मानो, आप ये मानो कि आपने ये गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया है। देखो मैं यहां से बॉम्बे रिटर्न करूंगा तो बॉम्बे वाला बोलता है हमें रिटर्न मत भेजो, एक काम करो एड्रेस डाल दो शिलोंग वाला। आप ये मानो कि आपने रिटर्न कर दिया है, लेकिन रिटर्न करके आप एड्रेस कौन सा डालो, शिलोंग वाला। आई बात समझ में? तो यानी गुवाहाटी ब्रांच के लिए तो ये रिटर्न ही हुआ ना एक तरीके से, हाँ हेड ऑफिस करेगा, लेकिन मैं गुवाहाटी ब्रांच की बात बता रहा हूँ। क्या गुवाहाटी ब्रांच एज ए सेल्स दिखाएगा क्या शिलोंग ब्रांच को? उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो गुड्स रिटर्न करना था। उसने हेड ऑफिस फोन किया, हेड ऑफिस वाला बोला भैया आप हमारे एड्रेस में रिटर्न मत करो, एक काम करो शिलोंग ब्रांच भेज दो। ठीक है, हमने डिस्पैच शिलोंग ब्रांच में कर दिया, हम हमारे बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हाँ एचओ अकाउंट। आया समझ में? ये कंसेप्ट क्लियर है ना? पहले गुड्स यहां आ रहा था, ठीक है, हमने गुड्स रिटर्न तो किया है, बट हमने गुड्स हेड ऑफिस को एड्रेस में रिटर्न नहीं करके किस एड्रेस में रिटर्न कर दिया, शिलोंग वाले के पास। अब बेचारा शिलोंग वाला भी तो कुछ एंट्री करेगा, शिलोंग वाला तो एंट्री करेगा ना, उसके पास गुड्स आ रहा है, और हेड ऑफिस को भी एंट्री करना पड़ेगा। जब हेड ऑफिस ने मुझे गुड्स भेजा था तो उसने मुझे क्या किया, डेटर बनाया। अब मैंने तो गुड्स रिटर्न कर दिया, क्या मैं डेटर रहूंगा क्या? नहीं रहूंगा। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, मुझे डेटर बनाया था कैंसिल कर देगा। टू गुवाहाटी ब्रांच क्लोज, लेकिन ये पैसा किससे लेगा वो? शिलोंग तो वो शिलोंग ब्रांच को डेटर बना देगा। समझ में आया ना एंट्री? तो वो क्या करेगा, शिलोंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुवाहाटी ब्रांच। आया समझ में? अब शिलोंग ब्रांच भी तो अपने बुक्स में एंट्री करेगा ना। क्या चीज? गुवाहाटी ब्रांच शिलोंग को नहीं भेज रहा है, गुवाहाटी ब्रांच तो यही सोच रहा है हम एचओ को भेज रहा है, एचओ ने बोला एड्रेस शिलोंग का डाल दो। अरे मेरा कोई शिलोंग ब्रांच से कनेक्शन नहीं है, मुझे तो रिटर्न करना था, बस उन्होंने बोला डिस्पैच आप वहां कर दो। कोई फायदा नहीं होगा ना, मैं पहले यहां से बॉम्बे भेजूंगा, बॉम्बे से शिलोंग आएगा, टाइम भी कंज्यूम होगा और ब्रांच और हेड ऑफिस का रेपुटेशन भी खराब होगा। क्लियर है? अब ये जो ब्रांच टू है ये कौन है, शिलोंग शिलोंग, शिलोंग वाला क्या एंट्री करेगा? यस, ये ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं लिखेगा गुड्स रिसीव फ्रॉम गुवाहाटी ब्रांच, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको तो किससे गुड्स आ रहा है, हेड ऑफिस से। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। समझ में आया? एक ब्रांच दूसरे ब्रांच का अकाउंट अपना लाएगा लाएगा ही नहीं। हेड ऑफिस लाएगा बस। हाँ ये समझ में आया कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। इस तरीके से अपने को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। क्लियर है? जब एक ब्रांच रिटर्न करेगा बट वो ब्रांच दे रहा दूसरा ब्रांच को गुड्स, लेकिन उसके लिए वो नॉर्मल सेल्स रिटर्न के जैसे परचेज रिटर्न की तरह ही होगा,
और जिस ब्रांच को रिसीव हो रहा है उसके लिए नॉर्मल परचेज का एंट्री होगा। हेड ऑफिस क्या करेगा, जिसको पहले भेजा था उसका अकाउंट क्लोज कर देगा, जिसके पास अब एक्चुअल में है उसको डेबिट कर देगा। क्लियर है कंसेप्ट? रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में सिनेरियो को फिर से पिक्चराइज कर लो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ डिपार्टमेंटल क्या है हाँ पूछिए साहब, समझ में आया? मेजरली ये चार डिफरेंस की वजह से आप लोगों को क्या करना पड़ता है पता है, ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का काम करना पड़ता है, अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी की वजह से भी करना पड़ सकता है। जैसे कि क्या है, हेड ऑफिस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन छोड़ दो, हेड ऑफिस क्या करता है, अपने स्टॉक को वैल्यू करता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और ब्रांच हो सकता है उसको वैल्यू कर रहा है कॉस्ट पे, तो दोनों का क्लोजिंग स्टॉक में तो वैल्यू डिफर करेगा ना। ईयर एंड में जब दोनों को मर्ज करोगे तो हेड ऑफिस का जो अपना स्टॉक है वो किस वैल्यू पे आ रहा होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन ब्रांच वाला जो स्टॉक आया वो किस पे आया है, तो इसको भी तो ठीक करना पड़ेगा ना, राइट? जब ये मर्जिंग होगा उस टाइम का काम है, समझ में? ये होता है जब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है तब। इज इट क्लियर? ये चारों एडजस्टमेंट एंट्री में आपको कोई डाउट है क्या? क्रिस्टल क्लियर है? अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा अपन और क्लियर होगा, बट कंसेप्चुअली समझ में आया कि क्यों होता है और कैसे होगा। तो लगा हाँ, गुवाहाटी और शिलोंग की जगह बी वन बी टू, नहीं तो बी बी वन का ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ गुवाहाटी, और बी टू का ब्रैकेट में लिख देते हैं शिलोंग। और हेड ऑफिस का ब्रैकेट में लिख देता हूँ मुंबई, ताकि आपको स्टोरी याद रहे। ठीक है, जागो। चलिए पता दो है, आई कैन वॉच एवरीवन, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। लिखो मिनट लिखो, तारा तारी, समझ आया ना यहाँ तक? ब्रांच बहुत इजी है, ब्रांच से इजी चैप्टर ही नहीं है पूरा सिलेबस में, इतना छोटा सा चैप्टर है बेचारा। चार एंट्री एंट्री पांचवा काम जो करना होता है जब आप मर्जिंग करोगे, मर्जिंग करेंगे तो क्या करेंगे अपन, जो ब्रांच का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो कहाँ आ जाएगा, हेड ऑफिस की बुक्स में आ जाएगा। तो लास्ट काम हम लोग को करना होता है कंसोलिडेशन। अच्छा अब कैसे कंसोलिडेट करेगा, ब्रांच का जितना भी एसेट है अब हेड ऑफिस के बुक्स में आ जाएगा, तो हेड ऑफिस, ये कंसोलिडेशन किसके बुक्स में होगा, हेड ऑफिस की बुक्स में। नहीं तो चलो अलग अलग सिखाता हूं मैं, एक तरफ हेड ऑफिस बुक्स और एक तरफ ब्रांच का बुक्स। अब हेड ऑफिस के पास ब्रांच की सारी एसेट्स आ जाएगी, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, ऑल दी, जो भी होगा नाम लिखते जाएंगे एज पर क्वेश्चन, ऑल दी ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू टू हेड ऑफिस के लिए। ब्रांच डेटर नहीं था क्या, तो उसने अपने पैसे के बदले में एसेट्स भेज दी अपनी सारी के सारी, तो हेड ऑफिस बोलेगा ओके ब्रांच एज ए डेटर मेरे बुक से कम हो गया। और वही चीज ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस एक लाइबिलिटी था, उसने लाइबिलिटी के बदले में क्या किया, अपनी सारी एसेट्स दे दी। अरे क्यों, डेटर है, कैश है, बैंक है, अक्रूड इनकम हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, वो सारी चीजें,
मैंने फिक्स एसेट्स कहाँ लिखा, ऑल द ब्रांच एसेट्स लिखा। क्लियर क्लियर है ये चीज? नहीं, लाइबिलिटीज भी आएगा, ये तो एसेट्स का एंट्री किया, उसके बुक्स में जो लाइबिलिटीज होगा वो भी तो आ जाएगा। तो उसका हो जाएगा मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा क्या? मर्जिंग तो करना पड़ेगा ईयर एंड में। देखो सुनो मेरी बात, एडवांस अकाउंट्स में आप एक चैप्टर पढ़ोगे कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? जैसे कि रिलायंस, रिलायंस एक कंपनी है, जियो एक कंपनी है, रिलायंस पेट्रोकेम एक कंपनी है, फिर नेटवर्क 18 एक कंपनी है रिलायंस का, रिलायंस फ्रेश एक है, अलग अलग है ना, ये सब अपना अपना अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर रिलायंस क्या करता है, इन सब का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने अंदर ऐड करके भी तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है ना, इसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो उनका जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जब इसका बैलेंस शीट में दिखेगा उसका सब कुछ का, तो इसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड ऑफिस ने ब्रांच का सारा एसेट्स ले लिया, तो ब्रांच बोलता चल मेरे को डेटर कम कर, ए फिक्स एसेट्स और एसेट्स में फर्क है। हाँ ऐसे हम तो करंट एसेट एसेट्स में करंट एसेट्स हो सकता है कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक। अरे मैंने बोला इफ हेड ऑफिस ब्रांच का फिक्स एसेट्स अकाउंट बना रहा है तब वो एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है, बाकी जितना भी इवन तुम्हारा फिक्स एसेट्स ब्रांच खुद बना रहा है तब तो सारा एसेट्स आ जाएगा ना इसके पास, ऑल द एसेट्स स्टैंडिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ ब्रांच। वो सारा क्या करेगा, हेड ऑफिस अपने बुक्स में प्लस कर लेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली अपने बुक से डेटर को कम कर लेगा। सिमिलरली लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज भी आ जाएगा हेड ऑफिस के बुक्स में। लाइबिलिटीज आएगा तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट तो लाइबिलिटीज ले रहा है तो ब्रांच से पैसा भी तो लेगा, तो एज ए डेटर ब्रांच बढ़ जाएगा। अरे मैं तो अलग अलग सिखाऊंगा। हाँ कर सकते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल दी लाइबिलिटीज ऑफ ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो सकता है, और ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच के बुक से लाइबिलिटीज अकाउंट बंद हो रहा है। यस, ऑल द लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, ब्रांच का जो नेट प्रॉफिट और लॉस है वो भी हेड ऑफिस अपने बुक्स में ऐड करेगा। तो ब्रांच का प्रॉफिट हुआ तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा, लॉस हुआ तो उल्टा, ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मर्ज्ड, ठीक है, लॉस हुआ तो उल्टा हो जाएगा। अब ब्रांच क्या एंट्री करेगा, इसको कुछ करना ही नहीं है, एचओ ही करेगा, ब्रांच क्यों कुछ करेगा बस। अरे लास्ट में जब हेड ऑफिस अपना बुक्स बनाएगा तो वो ऐड करके दिखा देगा कि मेरा ब्रांच में इतना प्रॉफिट हुआ था, उसका बुक्स एज इट इज चलता जाएगा। क्लियर? नहीं करेगा ब्रांच कुछ भी एंट्री नहीं करेगा, क्यों करना है? नहीं, प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करता है, जस्ट अकाउंटिंग पर्पस के लिए हेड ऑफिस अपने बुक्स में उसका प्रॉफिट दिखाता है, ट्रांसफर कुछ नहीं करता है। क्लियर है? ये ऐसे ही रहेगा, और लास्ट में आप देखोगे कि हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंस टैलीड हो चुका तो है। ये ब्रांच हाँ, पे अपन आएगा तो तो एचओ अपने बुक्स में जब तक अपनी सारी ब्रांचेस का प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, एचओ का टोटल प्रॉफिट पता चल पाएगा क्या? दूसरा दूसरा क्यों दिखाना है, ब्रांच कुछ नहीं करता, ब्रांच थोड़ी ना हेड ऑफिस का प्रॉफिट लेके आएगा। क्या ट्रांसफर नहीं अरे करते नहीं तो ट्रांसफर एंट्री करना है, तो ज्यादा से ज्यादा तुमको इतना ही मजबूर हो रहा है कि क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, तो ब्रांच क्या करेगा, अपना पीएनएल को कम करेगा,
और वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? जनरल जनरल पीएनएल में। अरे अल्टीमेटली ब्रांच अकाउंट का डेबिट में तुम लोग नहीं लिख रहा था टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल, पीएनएल तो इंडिपेंडेंट में अल्टीमेटली तो प्रॉफिट भेजना ही पड़ेगा उसको। नया अकाउंट खुल गया ना कौन सा खुल गया? जनरल पीएनएल ये है ना, ये प्रैक्टिकली कोई अकाउंटिंग एंट्री होता ही नहीं है, क्योंकि जस्ट जो ये वाला एंट्री है ये हेड ऑफिस खुद करता है टू शो टू द यूजर्स कि ये ब्रांच का एज इट इज वैसा ही बुक्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस हेड ऑफिस सिंगल हेड ऑफिस के बुक्स में डुअल एंट्री तो हो ही रहा है ना। अरे आप तो चार इफेक्ट पूछ रहे हैं, हर एंट्री का डबल इंपैक्ट होता है। हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या एंट्री कर रहा है? हेड ऑफिस तो अपने बुक्स का प्रॉफिट बढ़ा रहा है और ब्रांच का अकाउंट को खत्म कर रहा है ना। ये होने के बाद आपको दिखेगा कि ब्रांच का अकाउंट पूरा टैलीड हो चुका है। विद द क्वेश्चन मैं आपको और समझा दूंगा, इस एंट्री का ब्रांच के बुक्स में कोई इंपैक्ट नहीं आता, नहीं नहीं इसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। यहां तक है, पहले मेरे को ये पांच एंट्रीज में कोई डाउट है तो बोलो, मतलब पांच एडजस्टमेंट में। हाँ, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, जब किसी को भी पैसा देना है वो क्रेडिट होता है। ब्रांच का लायबिलिटी था, तुम किसी का हेडेक ले रहा है, फ्री में तो लेगा नहीं ना, उससे पैसा भी तो लेगा पेमेंट करने के लिए। तो हेड ऑफिस ने क्या किया कि देख ब्रांच में तेरा सारा लायबिलिटी ले रहा हूं तो मेरे को तेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा, उतना पैसा ब्रांच से लेगा ना। सपोज ब्रांच को किसी पर्सन को 1 लाख रुपए देना है, हेड ऑफिस बोलता है ये मेरी हेडेक है, मैंने अपने बुक्स में ले ली। लेकिन हेड ऑफिस अपने तरफ से क्यों पैसा देगा? वो 1 लाख रुपए किससे लेगा? वो ब्रांच से लेगा ना, इसलिए उसने ब्रांच को और डेटर बना दिया और उसकी लाइबिलिटीज अपने बुक्स में लेके आ गया। ब्रांच ने क्या किया, अपना लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया। जब लाइबिलिटीज बुक्स में आता है तो क्रेडिट होता है, अब लाइबिलिटीज जा रहा है उसका तो उसने डेबिट किया, लेकिन लाइबिलिटीज जा रहा है तो क्या हुआ, उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना इसका, तो किसको देना है? हेड ऑफिस को। क्लियर है, समझ में आया? ये पहला जो टास्क रहेगा अपना एडजस्टमेंट एंट्रीज करना रहेगा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेगा, जो अपना मैट के अंदर है और जो कंपाइलर के अंदर है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन करेगा, फिर जाके कंप्लीट क्वेश्चन करने का स्टार्ट करेगा। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ योर स्टडी मैट। इलस्ट्रेशन नंबर 9 13.47, 13.47। दिवाली में पूजा करने के बाद यूज करेगा, लक्ष्मी जी के सामने रखे। अभी ठीक है, और भी ट्रांजेक्शन जैसे जैसे आएंगे, एकदम बेसिक जो मेन ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होता है वो मैंने बोला। अब सुनो, एक एंट्री हम पूछता है तुम लोग से, ब्रांच का कोई खर्चा है, हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दिया, ब्रांच का एक्सपेंस हेड ऑफिस ने पे कर दिया, बताओ हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो तो हेड ऑफिस का खर्चा नहीं है ना कि वो अपने बुक्स में डेबिट करेगा, उसको तो वो पैसा लेना है। अरे सिंपल कि मेरा कोई एक पेमेंट है, तुम लोग रास्ता से आ रहे हैं, हम बोला एक बार दे देना ना, तो तुम अपना बुक्स में क्या एंट्री करेगा? मेरे से लेना है और कैश चला गया, हम क्या एंट्री करेगा अपने बुक्स में? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, मुझे देना है। क्लियर है ये चीज? बस यही अकाउंटिंग एंट्री मिलने वाला है तुम लोग। देखो नंबर वन, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच टू रेक्टिफाई और एडजस्ट दी फॉलोइंग। हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, ठीक है? इसका क्या चीज? नंबर इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच ब्रांच नहीं, कर ब्रांच के बुक्स में हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। क्लियर है, सबको आ चुका है? देखो नंबर वन, ब्रांच पेड ₹5,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर। किसका सुपरवाइजर है ये? हेड ऑफिस का, और ब्रांच ने पेमेंट किया है, बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच
हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। हाँ, रेक्टिफिकेशन ही है और कुछ नहीं है। हेड ऑफिस के सुपरवाइजर का पेमेंट ब्रांच ने किया, तो ब्रांच को एक्चुअल में एंट्री करना क्या चाहिए था? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच को एंट्री करना चाहिए था ब्रांच को करेक्ट एंट्री क्या करना चाहिए था? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करना चाहिए था। बट इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू कितना था? 5000। इंस्टेड ऑफ दिस ब्रांच ने एंट्री क्या किया? ये तो किया ही नहीं, क्या किया? सैलरी अकाउंट डेबिट। वो तो ऐसे ही बोल देता ना कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना इस चैप्टर के अंदर में, तो हम लोग दिमाग को प्रेशराइज ही नहीं करता, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा इसका? एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बिकॉज एचओ को डेबिट करना था, किया नहीं तुम लोगों ने, अभी कर देगा। और जो गलत अकाउंट डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी बिंग रेक्टिफिकेशन फॉर सैलरी पेड करेक्टेड या पास्ट। समझ में आया? क्लियर है? ये आ जाओ, सीरियस हो जाओ, फिर अभी डांट खाएगा। हाँ बोलो, पूछो, क्या पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। एसेट परचेज्ड बाय द ब्रांच। अरे भाई, बिंग रेक्टिफिकेशन फॉर सैलरी पेड पास्ट। जब हम पढ़ाते हैं तब तुम लोग अपना दुनिया में बिजी होता है। एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच फॉर ₹25,000, बट द एसेट अकाउंट वाज रिटेन्ड इन हेड ऑफिस बुक्स। बताओ क्या होगा? एसेट परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच ने खरीदा तो, और हेड ऑफिस के बुक्स में एसेट है, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? ब्रांच खरीदा है तो पैसा तो गया, टू कैश बैंक तो हुआ ही है। कितना का था? 25,000, राइट। अब यदि एसेट अकाउंट ब्रांच खुद मेंटेन करता तो ब्रांच क्या डेबिट करता? ब्रांच एसेट अकाउंट मेंटेन करता, डेबिट कर लेता वो, लेकिन वो मेंटेन ही नहीं कर रहा ना। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हो गया? इतना पैसा, ये एसेट वहां पे होगा हेड ऑफिस में, तो ये क्या बोलेगा कि मैंने हेड ऑफिस को इतना पेमेंट कर दिया। हेड ऑफिस इज अ क्रेडिटर फॉर ब्रांच। हाँ, यस, परचेज करना चाहिए था हेड ऑफिस को, उनके बिहाफ में ब्रांच ने परचेज कर दिया। तो मैंने अभी बताया ना कि पेमेंट मेरे को करना था, बट मैं तुम लोग रस्ते में, तो हम बोला कि मेरा एक पेमेंट कर देना, तो हम तो अपने बुक्स में क्या करेगा? किया किया ही नहीं ना कुछ, यहाँ पे किया कहाँ है कुछ, जस्ट बोल रहा है कि एसेट खरीदा है ब्रांच ने 25,000 का, लेकिन एसेट अकाउंट रिटेन्ड कहाँ पे है? हेड ऑफिस की बुक्स में। तो ब्रांच जब एसेट खरीद रहा है, अपने बुक्स में एंट्री ऐसा नहीं कर सकता, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट टू कैश बैंक।
हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस, यस, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि पैसा तो ब्रांच से गया ना, तो ये पैसा ब्रांच को देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये था रेक्टिफिकेशन एंट्री बीइंग एसेट परचेज्ड बट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। क्लियर है ये? अरे सिंपल सा लॉजिक है, हेड ऑफिस को एसेट खरीदना था और हेड ऑफिस की जगह ब्रांच ने खरीद दिया। ये ब्रांच के ऐसे नहीं, ब्रांच के हाँ, लेकिन वो खरीदना था हेड ऑफिस को, तो पैसा जाना चाहिए था हेड ऑफिस का, चला गया ब्रांच का। ब्रांच का पैसा गया, ब्रांच बोलता है कोई बात नहीं, हम हेड ऑफिस से ले लेगा, तो हेड ऑफिस को डेटर बना दिया उसने, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बस सिंपल। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? आगे चले। अ रेमिटेंस ऑफ ₹8,000 सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, ये तो इसका ब्रांच अब कोई एंट्री करेगा ही नहीं। कौन एंट्री करेगा? क्या एंट्री करेगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो थर्ड वाला ट्रांजेक्शन का गाना क्या चीज, कोई क्या बोला? कोई डाउट? किसी नहीं, का डाउट? कोई कोई डाउट नहीं। नहीं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हेड ऑफिस कलेक्टेड 25,000 डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर ऑफ ब्रांच बट फेल्स टू गिव द इंटीमेशन टू ब्रांच। मतलब ब्रांच के कस्टमर का पैसा एचओ ने ले लिया, तो एचओ का पैसा बढ़ गया कैश बैलेंस, लेकिन ये एचओ को देना चाहिए ना ब्रांच को। ब्रांच क्या एंट्री करेगा? वो तो पैसा हेड ऑफिस से ब्रांच लेना है और उसका अपना डेटर, एक डायरेक्ट पैसा डेटर से आता तो एंट्री क्या होता? कैश अकाउंट टू डेटर। बट ये कैश किसी और के पास है ना, वो कैश अपन को उससे लेना है, तो जिससे लेना है उसको डेबिट कर दिया और हमारे बुक से डेटर कम हो गया, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट वैल्यू रुपया बीइंग अमाउंट कलेक्टेड बाई अरे हेड ऑफिस। मत करो रे, सीरियस रहो, आराम से सीखो। कंसेप्ट एक बार बैठ जाता है तो बैठ जाता है, और एक बार नहीं बैठा ना, तुमको एनी टाइम एक डर फियर पैदा रहे, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, और फिर वो होता ही नहीं। एकदम स्लो एंड स्टेडी एंड हैव पेशेंस। पहला क्वेश्चन में तुम सब कुछ समझ जाओ जरूरी नहीं है, दो तीन क्वेश्चन होने दो, अपने आप ब्रेन उसको प्रोसेस करने लगेगा। इट विल ग्रेजुअली टेक्स टाइम, बिकॉज हर किसी का जर्नल एकदम स्ट्रांग हो जरूरी नहीं है, इट विल टेक टाइम। ठीक है? रेमिटेंस ऑफ फंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ₹5,000 नॉट एंटर्ड इन द ब्रांच बुक्स। ब्रांच ब्रांच के पास पैसा आया, ब्रांच ने उसका एंट्री नहीं किया, तो अभी एंट्री कर लेगा, क्या करेगा? पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट किसने दिया? हाँ, वो बोल देता फिर बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस
समझ में आया, ये एकदम नॉर्मल था, एकदम स्लो एंड स्टेडी जा रहे हैं। यदि आज अपन जर्नल पे भी कमांड ले आए तो चलेगा, अगला दिन में एकदम सारा फाइनल अकाउंट इजीली बन जाएगा। बट फोकस करो, सोचो कि ब्रांच एक अलग एंटिटी है और हेड ऑफिस एक अलग एंटिटी है, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जैसे आप कर रहे थे वैसे ही आपको करना है, ठीक है? और क्वेश्चन करता है, समझ में आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आना।13.78। हाँ अरे ये एग्जाम में आए या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एडजस्टमेंट बड़ा क्वेश्चन में तो आ ही सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो। गुड्स वर्थ ₹50,000 सेंट बाय हेड ऑफिस, बट द ब्रांच हैज रिसीव्ड टिल क्लोजिंग डेट गुड्स फॉर वर्थ ₹40,000 ओनली। गुड्स गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। हेड ऑफिस की बुक्स और ब्रांच की बुक्स में आपसे एंट्री मांग रहे हैं, तो एचओ के बुक्स में क्या होगा एंट्री? होगा ही नहीं। अरे उसने तो जब भेजा होगा तभी तो एंट्री कर लिया होगा, इन ट्रांजिट का कुछ करेगा ही नहीं वो। अरे गुड्स इन ट्रांजिट का पूछा है, गुड्स इन ट्रांजिट का एचओ कोई एंट्री नहीं करेगा। तो हेड ऑफिस बुक्स क्या क्या? अरे उस टाइम तो हो चुका होगा ना, आपसे क्लोजिंग डेट में जो इन ट्रांजिट है उसका अकाउंटिंग एंट्री पूछ रहा है। बोलना होगा तो एक बात बताओ, हेड ऑफिस की बुक्स में तो कोई एंट्री होगा नहीं, ब्रांच अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, सो सिंपल। अच्छा अरे उसके बुक्स में जो भेजा होगा ना वो एंट्री ऑलरेडी हो चुका जिस दिन भेजा था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। हाँ ओपनिंग मांगता तो। आपसे सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है, नॉर्मल एंट्री नहीं मांग रहे उन लोग। आया समझ में? हाँ तो हाँ बिंग गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्स हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई हैज अ ब्रांच इन नागपुर। द ब्रांच एट नागपुर इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑन 31st ऑफ मार्च X1 इट वाज फाउंड दैट द गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस फॉर ₹2 लाख वाज रिसीव्ड बाय द ब्रांच ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। द बैलेंस गुड्स आर इन ट्रांजिट। व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास्ड बाय द ब्रांच फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स इन ट्रांजिट इन इट्स बुक्स? इसमें सही बोला था, उसमें भी बोला था आपको, बोला है
कि आपको बताना है फॉर गुड्स इन ट्रांजिट का। तो हाँ, तो यहाँ एक स्टेटमेंट खत्म। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स इन ट्रांजिट का हेड ऑफिस के बुक्स में कोई एंट्री होता ही नहीं है। ठीक है, नंबर टू इजी है। क्या होगा, नॉर्मल होगा, ब्रांच के बुक्स में नागपुर ब्रांच क्या एंट्री करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट कितना रुपीज से, 50 50। ₹50,000। फटाफट करके खत्म करो। नहीं नहीं कर लो, कोई बात नहीं। बिल गुड इन प्रोसेस और रिसीव कुछ ट्रांजैक्शन दे मुंबई है मुंबई अब क्या लिखेगा बीइंग गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड। करेक्ट। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत कचरा कचरा वाला कुछ। अरे तीन चार एक ब्रांच है तो ब्रांच हेड ऑफिस का वो नाम ही दिया ना कौन सा है उसको ब्रांच ब्रांच हेड ऑफिस का नाम लिखे भी हेड ऑफिस, करते हेड हैं एक ही ऑफिस का था, है हेड ऑफिस एक ही हेड ऑफिस सब सारा ब्रांच के लिए एक ही होगा, लेकिन है ब्रांचेज अलग अलग हो सकते हैं, सबका मालिक एक। अच्छा देखो, आओ, अच्छा क्वेश्चन है, फोकस से करता है, समझ समझ के करता है। नहीं तो आओ, अच्छा सा क्वेश्चन है, पटाख से करता है। फर्स्ट शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है एट द एंड ऑफ अप्रैल X1 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस अज्यूमिंग दैट ओनली हेड ऑफिस मेंटेन डिफरेंट ब्रांच अकाउंट्स इन इट्स बुक्स। इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हाँ, इसका मतलब दिल्ली ब्रांच के बुक्स में बॉम्बे ब्रांच का अकाउंट नहीं है, मुंबई ब्रांच का बुक्स में दिल्ली चेन्नई कलकत्ता का अकाउंट नहीं है, मतलब ब्रांचेस एक दूसरा का अकाउंट मेंटेन नहीं करता, सारा ब्रांचेस एचओ ही मेंटेन करता है। क्लियर है? इसका मतलब ये है। हाँ, एंट्री करता नहीं है, कर तो सकता ही है। हाँ तो क्लियर है ये। अब हम लोग को क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, ट्रांजेक्शन इतना सारा है, बाप रे, इसका मतलब बहुत लंबा चौड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, लंबा चौड़ा नहीं मतलब ब्रेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। आंसर एक जर्नल एंट्री का है, योर करेक्ट आंसर इज एक ही जर्नल एंट्री है, बट उसको निकालने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन को क्रैक करना पड़ेगा आराम से। हाँ, आंसर सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एचओ जनरल तो करेगा ना। हाँ, तो एक ही एंट्री करना, मैंने फॉर्मेट बना के छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वर्किंग नोट बना दूंगा। अरे बना नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे अपन सॉल्व करेगा, क्योंकि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी पता चलेगा ना। अब पहले से तुम्हें ब्रांच थोड़ी आता था, अब थोड़ा बहुत आता है ना।
दे तो 4 लाया क्या थम्सअप वाला? अरे दो चार फॉलोवर बढ़ेगा तो उसको पता नहीं चलेगा ना। कैच 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 कौन सा टाइप लगता है इसमें? सी टाइप तो नहीं लगता। कैच 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 नहीं पता कौन सा लगता है। कैच कैच हाँ फैब अभी नजदीक नहीं है, फैब अभी नजदीक नहीं है। आओ आओ, कैच अच्छा फोकस से देखो, फोकस नाउ। शू शू शू, बैक टू द स्टडी। बहुत मस्ती हो गई। आओ दिल्ली ब्रांच पहले देखो कहाँ। हाँ हाँ पहले दिल्ली ब्रांच का कहानी बोल रहा है। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई 35,000 एंड 15,000 फ्रॉम कोलकाता। आपको गुड्स मिला तो दिल्ली ब्रांच ने क्या एंट्री किया होगा? वर्किंग नोट चल रहा है, आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा था। हम लोग पहले दिल्ली ब्रांच का जो कहानी बोल रहा है उसको ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। दिल्ली ब्रांच के पास, हाँ वो ऊपर में आंसर एक ही होगा, सब एंट्री को हम लोग मिक्स कर लेगा बाद में, पहले एकदम ब्रेक करके। अरे वर्किंग नोट नहीं बनाया, सीखेगा कैसे? आराम से गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई एंड कोलकाता। मुंबई ब्रांच से आया और कलकत्ता ब्रांच से गुड्स आया है दिल्ली के पास में। 35 और 15 बोले तो 50,000 का गुड्स आया है। बताओ दिल्ली ब्रांच क्या एंट्री करेगा? वही करेगा ना नॉर्मली, कि उसको चाहे मुंबई से आए चाहे कलकत्ता से आए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये तो तुम ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा यहाँ पे? यस, अब देखो दिल्ली को गुड्स, अरे सुनो तो, हेड ऑफिस ने पहले मुंबई और कलकत्ता को भेजा होगा, बट फिर हेड ऑफिस ने मुंबई और कलकत्ता वालों को बोला एक काम करो तुम लोग को नहीं चाहिए दिल्ली को भेज दो। तो दिल्ली के पास गुड्स चला गया, हेड ऑफिस अपने बुक्स में किसको डेटर बनाएगा? दिल्ली को। और पहले जब भेजा होगा तो ऑलरेडी इन दोनों को डेटर बनाया हुआ होगा, तो इसको वो क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? हेड ऑफिस अपने बुक्स में एंट्री करेगा दिल्ली कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिल्ली कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू मुंबई इंडियंस टू कोलकाता कोलकाता नाइट राइडर्स। अरे एचओ के बुक्स में ही तो तुम वर्किंग नोट बना रहे हो ना। तो जिसको लास्ट में गुड्स मिला हेड ऑफिस तो उसी से पैसा लेगा ना, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में तो दिल्ली को ही तो डेटर बनाएगा। अरे दिल्ली ब्रांच के लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा है एचओ, दिल्ली ब्रांच के लिए एचओ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहा है। हाँ आपको एक ही एंट्री में सब कुछ काम करना है, पर इतने सारे ट्रांजेक्शन है आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा? तो नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या चीज? एडजस्टमेंट एंट्री एक ही होता है, पहला बात है, अलग अलग एंट्रीज नहीं होता एडजस्टमेंट का। हाँ
सारा कहानी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस चल रहा है आपका, क्लियर है। पहला एडजस्टमेंट कर दिया, आओ सेकंड एडजस्टमेंट्स का बात करते हैं। सेंट, दिल्ली ने क्या किया, सेंट गुड्स टू चेन्नई एंड कलकत्ता, यानी दिल्ली के पास गुड्स आया होगा, वो उसने चेन्नई और कलकत्ता, मतलब दिल्ली को नहीं चाहिए तो हेड ऑफिस ने बोला चेन्नई और कलकत्ता को भेज दो। तो अभी हेड ऑफिस को क्या करना चाहिए, दिल्ली को क्लोज करेगा वो अपने बुक्स में और चेन्नई एंड कलकत्ता को डेटर बनाएगा क्योंकि गुड्स उनके पास जा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अकाउंट डेबिट, कोलकाता नाइट राइडर्स अकाउंट डेबिट टू दिल्ली कैपिटल्स। आरसीबी तो कब लेके जाएगा ना, इसलिए इन लोग दिखाई नहीं इसमें। पार्टी तो पक्का आएगी। एंट्री समझ में आया, एडजस्टमेंट एंट्री। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम चेन्नई, मत एंडोर्समेंट, राइट। अब दिल्ली ब्रांच को मिल रहा है, किससे मिल रहा है, चेन्नई ब्रांच से, तो बताओ हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, जिसको मिल रहा है उसको डेटर बना देगा। इन शॉर्ट देखो, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में एट द एंड ऑफ द डे जिसके पास फाइनल डेस्टिनेशन में जाता है हेड ऑफिस के लिए वही डेटर है, पहले जिसके पास गया होगा उसको वो रिवर्स करके क्लोज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, दिल्ली ब्रांच टू, करो करो मस्ती करो, बाद में क्वेश्चन नहीं होगा फिर आना डाउट के लिए, फिर हम देगा तुम लोग को बढ़िया से सॉल्यूशन। यही तो एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर का बीच का डिफरेंस है। एवरेज स्टूडेंट सोचता है मस्ती इज मोर इम्पोर्टेंट, टॉपर सोचता है यार हम घर जाके पढ़े बेटर है, अभी फोकस करके सारा समझ लेता है तो वो घर का टाइम सेव कर लेता है। लेकिन तुम हो वो मशीन्स जिनको बस घिसना पसंद है, घिसते रहो घिसते रहो। हाँ, दिल्ली के पास बिल चला गया, ठीक है, तो ये जो बिल का पैसा है हेड ऑफिस लेगा ना दिल्ली से, दिल्ली का ब्रांच इसी के बिल से वो चल रहा है। यस, इसलिए सारा अकाउंट्स रिलेटेड टू द ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय एचओ, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हुआ ना, अरे हुआ क्या होगा, देखो एक बिल्स रिसीवेबल था, एक बिल्स रिसीवेबल था पहले हेड ऑफिस ने चेन्नई को दिया होगा, तो चेन्नई को क्या कर दिया, डेबिट, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बाद में चेन्नई को बोला कि तू एक काम कर, ये बिल्स रिसीवेबल दिल्ली को दे दे, तो हेड ऑफिस ने जब चेन्नई को डेबिट किया तो वापस क्रेडिट करके क्लोज करना पड़ेगा, और सिमिलरली दिल्ली को उसने डेबिट कर दिया। यही है एंट्री का नेट इम्पैक्ट। नेक्स्ट, क्या चीज, चेन्नई दिल्ली, ठीक है, सबसे पहले चेन्नई को भेजा होगा बिल्स, तो हेड ऑफिस ने एंट्री किया था चेन्नई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और चेन्नई ने एंट्री किया था बिल्स रिसीवेबल टू हेड ऑफिस, बट चेन्नई बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हेड ऑफिस ने बोला ठीक है तू एक काम कर दिल्ली को भेज दे। तो उसी दिन चेन्नई ने क्या एंट्री किया होगा,
एच ओ टू बी आर बी आर दिल्ली के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, टू हेड ऑफिस। अब एच ओ क्या करेगा, चेन्नई को क्रेडिट कर देगा दिल्ली को डेबिट करें। हाँ और दिल्ली को डेबिट करेगा ना, यही तो एंट्री हम लोग कर रहे हैं अभी, आया समझ में? यही तो फाइनल एंट्री है जो एच ओ अपनी बुक्स में करेगा। में ज्यादा तो ब्रांच का ही डेबिट क्रेडिट करें। हाँ, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में वही होना है, समझ में आया? क्लियर है? फोर्थ एंट्री दिल्ली ब्रांच के साथ क्या हुआ है, एक्सेप्टेंस सेंट टू मुंबई एंड कोलकाता, अल्टीमेटली किसके पास चला गया, तो जिसके पास गया हेड ऑफिस तो उसी को डेटर बनाएगा। टू वैल्यूज बताना, पता है ये तो सिर्फ मैंने समझाया आपको, इस टायर ट्रांजेक्शन का क्या क्या इंपैक्ट हुआ होगा हेड ऑफिस के बुक्स में, ये समझाया है। एक ही ब्रांच के लिए हेड ऑफिस इतना अलग एंट्री क्यों करेगा? नाउ वी विल पास द नेट अकाउंटिंग एंट्री, नेट जर्नल एंट्री फॉर द दिल्ली ब्रांच। हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा देखना अच्छे से, नेट इफेक्ट का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अच्छा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। पहला एंट्री में चेक करो, एक को उठाता है पहले हम लोग, सपोज हम लोग उठाता है दिल्ली को, दिल्ली ब्रांच को, पहला एंट्री में दिल्ली ब्रांच डेबिट हुआ 50,000 से, फिर दिल्ली ब्रांच क्रेडिट हो गया तो नेट कितना बच गया, 5,000। देन दिल्ली ब्रांच फिर डेबिट किया हमने 20,000 से, तो 25,000 से अब डेबिट रह गया, एंड फिर क्रेडिट कर दिया 35,000 से, यानी नेट क्या हुआ है, 10,000 से क्रेडिट करेगा दिल्ली ब्रांच को। कि मुंबई और कोलकाता को कुछ पैसा ना होगा तो उसका एक्सेप्ट कर लिया हाँ, था। टू दिल्ली ब्रांच 10,000, समझ में आया? 10,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया, अरे डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस किया, डेबिट प्लस होगा क्रेडिट माइनस होगा, अरे ऐसे देख लो ना। देखो मैं इसका ऐसे समझा देता हूँ, डेबिट क्रेडिट, पहला एंट्री में कितना डेबिट किया, 50,000, फिर क्रेडिट हुआ 45, फिर डेबिट हुआ आपने 20,000, फिर क्रेडिट किया 35, 70,000 से डेबिट हुआ और 80,000 से क्रेडिट हुआ है ना, तो नेट करो ना। एक तरफ बोल रहे हो उसको लेना है, हेड ऑफिस बोल रहा है डेबिट करने का मतलब क्या उससे लेना है, और क्रेडिट करने का मतलब उसको देना है, अरे भाई नेट बोल दो कि 10,000 देना है, आई बात समझ में? तो हम लोग नेट से एंट्री कर लेगा, मिटा दूं ये वाला पार्ट, नहीं तो ऐसे साइड में भी बना सकता है तुम लोग, क्योंकि इसके नीचे एंट्रीज आएगा ना अभी तक। नेक्स्ट, बाकी सारा का नेट इफेक्ट निकालो, कोलकाता क्या हो रहा है, चेन्नई अकाउंट डेबिट आ रहा है, अकाउंट डेबिट। चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट, कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट, वैल्यू बताना। तो मुंबई ब्रांच 10,000,
यानी एक ब्रांच से रिलेटेड उसका नेट एंट्री ये होना चाहिए। नहीं, ये तो एक ब्रांच को ठीक किया तुमने अभी चारों का तक, करेगा खुद का नेट लगाएगा फिर चारों को मिला के जो नेट इफेक्ट होगा वो हेड ऑफिस एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा। होगा। हाँ समझ में आया, इसने बोला था स्लो एंड स्टेडी ब्रेकअप करके समझो इस क्वेश्चन को। 10 मार्क। हाँ 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 एक एंट्री 10 मार्क, बट वर्किंग नोट का मार्क्स मिलेगा हाँ ना आपको, इसके बिना निकलेगा नहीं कुछ, वर्किंग नोट के बिना। भरोसा होना पड़ेगा। हाँ हाँ शो करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया नेट इफेक्ट कैसे निकाला हम लोगों ने? हाँ क्या क्या चीज? कुछ नहीं, बस वर्किंग नोट चल रहा है ना बाबा, वर्किंग नोट में तो नरेशन भी नहीं चाहिए। अब मैं ये वाला पार्ट मिटा दूं, इसका भी नीड नहीं है अपने को। समझ गया था ना गायत्री गार्गी? क्वेश्चन हमको एक ब्रांच को हमने ठीक कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर ब्रांच का ट्रांजेक्शन, मुंबई ब्रांच। अपार्ट फ्रॉम दी अबव बहुत सारा काम मुंबई ब्रांच में भी हुआ है, बट फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच के लिए क्या एंट्री करेगा? कलकत्ता कलकत्ता और दिल्ली से आया है। कलकत्ता क्या क्या क्या? अरे कलकत्ता जिसके पास फाइनली गुड्स होता है हेड ऑफिस के लिए तो वही डेटर है। हाँ मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच, क्लियर है? चेन्नई ब्रांच क्या 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 फिर से बोलो। से मुंबई हाँ हाँ इसका मतलब ये है कि चेन्नई और कलकत्ता से लेना है और दिल्ली और मुंबई को देना है, यानी देना कुछ नहीं है, हमने पहले हमारे बुक्स में दिल्ली और मुंबई को डेटर बना रखा होगा, उनको क्लोज करके हमने जो करेक्ट पार्टी है उनको डेटर बना दिया। इसका मतलब ये है, क्या होगा? मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, कितने से? हाँ और 35,000। समझ में आ रहा है? सेकंड, स्लो एंड स्टडी जा रहा है अंदर में। देखो जर्नल ही कर रहे हो तुम, कुछ नया नहीं कर रहे हो, एंड जर्नल में तुम लोग एक्सपर्ट हो। नंबर टू, कैश सेंट टू दिल्ली कलकत्ता, यानी मुंबई ब्रांच से तुमने कलकत्ता और दिल्ली को पैसा भिजवा दिया, तो क्या होगा? दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मुंबई ब्रांच। अरे उनके पास पैसा जा रहा है, मुंबई ब्रांच हेड ऑफिस को भेजने वाला था पैसा, हेड ऑफिस ने बोला एक काम कर तू कलकत्ता दिल्ली को भेज दे। समझ में आया डीजे? समझ में आया? अरे कैश सेंड टू दिल्ली एंड कलकत्ता, अरे यदि हेड ऑफिस दिल्ली और कलकत्ता को पैसा भेजता तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करता? दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट कलकत्ता ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहां पैसा कौन भेज रहा है? मुंबई ब्रांच भेज रहा है ना, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट कलकत्ता ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मुंबई ब्रांच। हेड ऑफिस से तो कैश नहीं जा रहा है ना, तो जो एज ए डेटर उसके बुक्स में मुंबई होगा वो उसको कम कर लेगा। क्लियर है? तो किया
दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट, अकाउंट टू मुंबई ब्रांच अकाउंट 15,000, 7,000, 22,000. तो व्हाट विल बी द नेट तो इफेक्ट? दो ही ट्रांजेक्शन था ना, कर क्या चीज? दो उसका अच्छा वैसे कर दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा. इसको 5 कर दिया, इसको 6 कर दिया, ये आ जाएगा 5 प्लस 6, मुंबई बताओ क्या होगा? टू कोलकाता मुंबई ब्रांच नेट डेबिट होगा कितने से? 13,000 13,000 से. कोलकाता ब्रांच नेट आपका क्या होगा? 8,000 से क्रेडिट. एंड दिल्ली ब्रांच नेट क्या होगा? हो गया. समझाने में ही समय जाता है, एक बार हो जाता है ना, एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में फटाफट हो जाएगा ये क्वेश्चन. सिंस यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ा समय लग रहा है, पेशेंस हो जाएगा आराम से. हाँ मैं तो अब नेक्स्ट कौन सी ब्रांच का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है? नहीं चेन्नई एक्सप्रेस. आई एम सो ऑब्लाइज्ड दैट आई रिसीव्ड अ गोल्डन माइक फ्रॉम आवर डीडी. हम रोएगा नहीं, हम तुमको पास में लेके वीडियो में, हमारा एक गरीब भाई है छोटा सा, देखो इसका हालत, इसका पालना है हमको. चेन्नई ब्रांच. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7, रिसीव्ड फ्रॉम कोलकाता, तो क्या होगा? चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच. कोलकाता चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच 30,000 से. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा? एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंड टू कोलकाता इतना रुपीस से, तो क्या होगा? जिसको मिल रहा है उसको अपन क्या करेगा? डेबिट. और जो दे रहा है उसको क्रेडिट. कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट टू टोटल हाँ टोटल करके कितना था? करके नेट इफेक्ट सेवन प्लस एट. इफेक्ट ही नहीं, डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल हो गया, तो कुछ करना ही नहीं है इसका. चेन्नई चेन्नई को डेबिट किया 30,000 से और क्रेडिट कर दिया 30,000, तो हेड ऑफिस क्यों ही एंट्री करेगा फिर? यस. और कौन बचा? को डेबिट किया कोलकाता ब्रांच.
नहीं पहला एंट्री क्या होगा कलकत्ता ब्रांच का? तो कोलकाता सेंड आता है। गुड्स टू चेन्नई, चेन्नई को भेजा है तो चेन्नई को मिल रहा है तो चेन्नई डेटर बन जाएगा, और कोलकाता को जो डेटर बना रखा होगा वो क्लोज कर देंगे अपन। तो नेट नाइन नंबर समझ में है? 10 नंबर, कभी भूल जाएगा तो फिर से वीडियो रिकॉर्ड रेफर कर लेना और आ जाएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट फिर से भूल गया तो आराम से ना फिर से वीडियो को प्ले कर लेना और चेक कर लेना कि कैसे करते थे, तो रिकॉल हो जाएगा। इवन फास्ट फॉरवर्ड में भी सुनेगा तो याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ऐसे करते थे, ठीक है? नंबर 10, पेड कैश टू चेन्नई, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच, ग्यारह नंबर, एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई। लोग एक बार जिसको मिल रहा है उसको डेबिट, जो भेज रहा है उसको क्रेडिट। नेट इफेक्ट 9 प्लस 10 प्लस 11, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट 65,000। तो नेट यहां तक समझ में आया? ये तो इंडिविजुअल ब्रांच वाइज आपने नेट इफेक्ट निकाला है। अब देखो ये था मेरा नेट इफेक्ट नंबर 1, रोमन नंबर 1 नेट इफेक्ट। फिर एक निकला ये वाला, फिर ये, एंड देन ये। करके इन चारों को मर्ज करना है, मेन तो सॉल्यूशन में आंसर लिख देगा। चारों को मर्ज करेगा तो क्या होगा, पहले वाले में चेन्नई डेबिट हुआ है 5,000 से, फिर चेन्नई डेबिट हुआ है 65 से, यानी नेट चेन्नई क्या होगा, क्या चीज समझा करके नहीं क्या? पांच 70,000 से। देखो हजार चेन्नई यहां पे डेबिट हुआ 5,000 से, फिर इधर तो है ही नहीं, इधर है ही नहीं, इधर डेबिट हुआ है 65, तो नेट 70,000 से चेन्नई डेबिट है, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, इधर मेन एंट्री में चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट 70,000, नहीं फिर मुंबई ब्रांच डेबिट आ रहा है क्या, मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट 3,000, कोलकाता टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट कितना, दिल्ली 58,000, ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट बीइंग, कैसा लोग रे, इस चीज को भी सट्टे से जोड़ दिया, अच्छा चेन्नई जीतेगा। बीइंग एडजस्टमेंट, इसमें यस आज राजस्थान जीतेगा। भी
ये क्या लग रही है ये नहीं भी आज मुंबई में आज एंट्री क्या पास फ्रेंड डेबिट कार्ड कहीं आज बस हमने ड्यू किया है चेन्नई से, लेना है उससे, मतलब लेके चेन्नई रहेगा बहुत उससे जीत जीत, आज उससे जीत लेके रहेगा हम लोग। क्या मुंबई इंडियंस क्या देश मुंबई तो अपना है ना, देश तो अपना ओके है ना, गुवाहाटी सपोर्ट तो किए, तो हार गया था, तुम लोग को भेजा था, तुम लोग हरा के आ गया। क्या में बैठा जी हूँ पंजाब समझ में आया क्वेश्चन? एक एंट्री था 10 मार्क मिल जाता आपके। हाँ एक एंट्री क्यों बोला? अरे ये तो के कब करेक्ट होगा जब तुम वर्किंग सही बनाया होगा। हाँ लिए हाँ उसका नजर जाता है, वो चेकर है। ज्यादा समझ में आया हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? क्लियर है? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का कंसेप्ट क्लियर है? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं है, आपको बस यही दिमाग में रखना है, जिस ब्रांच को लास्ट में एट द एंड रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करना है, और जो भेज रहा है उसको क्रेडिट करना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। चलो नंबर फोर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हाँ आपने कराया डाला नहीं वो खाली सुन लिया था क्या अभी करना कुछ है तो चीजें तो नहीं भी होनी चाहिए। वही नंबर फोर। आओ देखो, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, किसका बुक्स में बनाना है? ब्रांच टू रेक्टिफाई और एडजस्ट दी फॉलोइंग हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ₹3,500 एलोकेटेड टू द ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। एक हेड ऑफिस एक्स क्या मिनट क्या 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 सुनाई नहीं दिया? क्या और हेड ऑफिस एक्सपेंसेस है ₹3,500 का, एलोकेटेड टू द ब्रांच मतलब हेड ऑफिस एक कॉमन खर्चा करता होगा ब्रांच से रिलेटेड, उसमें से ₹3,500 जो है ब्रांच ए का खर्चा है, तो वो उसने एलोकेट किया बट ब्रांच ने अभी तक बुक नहीं किया उसको, तो बताओ ब्रांच क्या एंट्री करेगा? एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। एलोकेशन का मतलब समझ में आया? याद है कॉस्टिंग में क्या था? एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। एलोकेशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, सपोज आपका एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 5 फ्लैट है लेकिन मीटर एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो कॉमन बिल आता है, फिर आप क्या करते हो उसको बांट देते हो कंजम्पशन वाइज, तो उसको बोलते हैं एलोकेशन। सिमिलरली यहाँ पे हेड ऑफिस ने एक कॉमन खर्चा किया होगा सारा सारा मिला के ब्रांचेस को, तो उसमें से 3,500 ब्रांच ए का शेयर आया है। जब आप लोग मिला के बाहर घूमने जाते हो, एक जन सारा खर्चा कर देता है, बाद में वो क्या करता है बांट देता है ना, एक तरह से बांटा है, तो जिसका जितना हिस्से में आएगा उसके लिए तो वही खर्चा होगा ना, तो ब्रांच ए क्या एंट्री करेगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। पास कर लिया ये एंट्री? मैं नहीं कर रहा, ये तुम लोग ही कर रहे हो। लिया रुको लिख क्या कर रहा तुम्हारा पीजी में सिर्फ आलू मिलते तो क्या करेगा, तुम सब्जी देखा ही नहीं है कितना साल से। भाई सब्जी का तो नहीं अभी तो दिख क्या है सर सब्जी तो बोला था 10 दिन में भेज
दो घंटा का ब्रेक लो कोई रेस्टोरेंट में जाओ वापस आ जाओ। रेस्टोरेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आरसीबी जीतेगा तुम, हम पार्टी देगा। तुम दुआ करो। हाँ वही सबका अकाउंट बना हर खेलते खेलते सर्फ से। हाँ है क्या चीज होली होली? होली तो पिछला साल ही चला गया। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट Whose accounts are kept by the head office, not provided earlier for 1500? Depreciation account debit to head office account. चलो कुछ तो क्लिक हो रहा है तुम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट को। Depreciation account debit to head office account. तुम लोग इतना बुलवाता है तो आवाज तो जाएगा ही। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज इतना शिद्दत से सिंप्लीफाइड तरीके से सीख रहा है और क्या चाहिए तुम लोग एक्सपेंस को? हम्म, सब तो नहीं मिलेगा। चलो वो भी दे देगा दीपेश। हम तुमको अकाउंट्स में तुम 80+ लाएगा, हम वो भी दे दे। क्या दे देगा अपने किस में लेते हैं ऐसी होता है कौन सी में क्या चीज तो आ जाए पर पैसा फॉर्मेशन की ख्वाब देखे छूटे मुंडे। ब्रांच पेड ₹2000 एज सैलरी टू एचओ इंस्पेक्टर रशियन रशियन बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। एचओ टू सैलरीज। फादर पहले ही सेम ट्रांजेक्शन किया था। जनरल आईडी ये तो ना सेम एंट्री। एच ओ टू सैलरी अकाउंट 2000। बिंग एरर रेक्टिफाइड एग्जाम क्या चीज? में क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द पेपर सेटर। तो बैठे ऐसा ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है, प्रेडिक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आओ नंबर फोर। हेड ऑफिस कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच बट नो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। अच्छा एच ओ टू डेटर एकदम करेक्ट। देखा हम बोला था तुम लोग को मेरा जरूरत है ही नहीं, सब कुछ आता है तुम लोग को, जर्नल में एक्सपर्ट है तुम लोग, तो मानते नहीं तुम लोग मेरा बात। फिर वो तो स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं ना। नहीं उसके बाद पता चलता है शिट, इतना इजी सब्जेक्ट के लिए फीस दे दिया, क्या किया हम लोग।
लोगों समझ में आया? देखते हैं क्या है नंबर 5। अ रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय द एचओ। ठीक है ओके इट्स फाइन, नो एंट्री। हम नहीं जो बहस किया तुम लोग से, तुम लोग बोला नो एंट्री, हम लिख दिया नो एंट्री। तुम लोग से बहस करके हमको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है क्या? निकलना है तुम लोग, क्या पता बाहर खड़ा मेरा आया सुन भाई रोत। ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी, एचओ टू कैश। देखो ब्रांच ए का पैसा तो गया, तो ब्रांच ए क्या लिखेगा? टू कैश अकाउंट कितना? 3,000। एचओ बोला होगा ब्रांच ए को कि उसके बिहाफ में तुम खर्चा कर दो और मेरे से पैसा ले लेना, क्योंकि ब्रांच एक दूसरा का अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। अब है ब्रांच ए ब्रांच बी को तो डेबिट कर नहीं सकता है, तो ब्रांच बी ए किसको डेबिट करेगा? हेड ऑफिस को। यस, ये इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हो गया। Being inter branch transaction recorded. क्या बोला? कुछ सुनाई नहीं देता, एक तो ऐसा ऐसा बात बोल देता है। ये सुनाई दे दिया हमको बच्चों, तुम्हारे मन में है क्या? पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ। ओके पढ़ाई कराएगा हम, तुम लोग का मन में है तो पढ़ाई कराएगा। हाँ चलो स्टार्ट डूइंग नंबर 9। सेल्फ ट्राई करो, देखते हैं कितना लोग सकता है कितना लोग नहीं सकेगा, फिर डिस्कस करेगा। तो देखो क्या करेंगे अपन नंबर 9 में। आप लोग सबने कर लिया एक बार, अपन रिकंसाइल कर लेता है। सबसे पहले तो ये बताओ किसका बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो क्या बोला? इनकम ऑफ 2,800 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस में एक इनकम हुआ होगा जो सेंट्रलाइज्ड है, उसमें से वो बोलता है ब्रांच का इनकम है 2,800, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्लियर है? दैट वाज द नंबर 1। नंबर 2, ब्रांच पेड 3,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस मैनेजर बट द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू ब्रांच सैलरीज अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। ब्रांच इनकर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस, दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, एचओ टू कैश, क्योंकि वो दूसरा ब्रांचेस को तो मेंटेन करेगा नहीं, तो वो क्या बोलेगा? मेरे को एचओ से लेना है और पैसा गया 5,000, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। अ रेमिटेंस ऑफ 1,50,000 सेंड बाय द ब्रांच हैज नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन द डेट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स। ब्रांच ने पैसा भेजा एचओ को नहीं मिला, तो उसका एंट्री तो एचओ करेगा, नो एंट्री। हेड ऑफिस एलोकेट 75,000 टू द ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस व्हिच हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस कलेक्टेड 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांच कस्टमर, द इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच ओनली नाउ नॉट रिकॉर्डेड टिल नाउ, एचओ टू डेटर अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। गुड डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस अमाउंटिंग टू 10,000
बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस अकाउंट. यार तुम लोग ठीक किसका, बिंग गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड. समझ में आया, क्वाइट इजी कंसेप्ट था. इनिशियली एक बार लग रहा था कि क्या चल रहा है, बट जब तक आप उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगा. धीरे धीरे जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो क्लैरिटी आने लगता है कि अच्छा ये लॉजिक था, इस तरीके से हो रहा था. इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो वी हैव कवर्ड अपना ये कंसेप्ट भी हो गया जिसमें जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री वाला था. अब सुनो मेरी बात अच्छे से, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री का जो कंसेप्ट है ना, हर एक बड़े क्वेश्चन में मिलेगा आपको. जब आपको क्वेश्चन बोलेगा ना कि हेड ऑफिस और ब्रांच का बुक्स को मर्ज करो, तब सारा क्वेश्चन में आपका ये एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट रहेगा. सारा नहीं रहेगा लेकिन दो दो तीन तीन जर्नल एंट्रीज रहेगा ही रहेगा. तो अच्छे से आज आपका टास्क है इसको प्रॉपरली रिवाइज करना. कल के नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेगा कि इससे रिलेटेड जो बड़ा वाला क्वेश्चन है जहां पे आप लोग को हेड ऑफिस की बुक्स ब्रांच की बुक्स को मर्ज करना है, वो वाला क्वेश्चन कैटेगरी करेगा. तो उससे अपना मेजरली जो एग्जाम में कवर होता है वो सारा पार्ट खत्म हो जाएगा. एंड देन छोटा छोटा सेगमेंट जो बचा उसमें दो तीन सेशन लगेगा और ब्रांच पूरा खत्म हो जाएगा. क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.